नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे जुनून। बरेली के बहेड़ी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रश्मि जायसवाल के लिए आज भाजपा नेता नईम अहमद के आवास पर पहुंचकर निकाय चुनाव प्रभारी पुरुषोत्तम टाटा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने की अपील की। अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी जिलों को तहसीलों को समान बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, आवास तथा इलाज के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के द्वारा बिना किसी भेदभाव धर्म के मदद की है। जब सरकार आपको बिना किसी धर्म जाने मदद कर रही है और सरकारी योजनाएं दे रही है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भाजपा को वोट करें। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए और कुछ क्या कहा, आइए देखते हैं। हर बार ये प्रयास आपने किया है, पिछले बार विधानसभा चुनाव में 22,000 वोट देकर आप लोगों ने खुद को, मैंने जगह जगह चौराहों पे सुना ये कहते हुए कि हम पछता रहे हैं वोट देकर, आज हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कल चेयरमैन बनाकर फिर पछताओ। फिर इस बात को कहूंगा कि एक ऐसा चेयरमैन बना लो, सत्ता के साथ आ जाओ, खुला निमंत्रण है, लोग सरकारें घुसने नहीं देती है। मोदी जी तुम्हें जोड़ रहे हैं, योगी जी जोड़ रहे हैं, आज तुम्हें मौका है पार्टी से जोड़ने का। बना दो एक प्यास बहेड़ी से, बना दो रश्मि जायसवाल को चेयरमैन और करा लो बहेड़ी का विकास। कहो कि हम विकास के साथी हैं, तुम मुसलमान के साथी नहीं है। आ जाओ विकास पर, हम विकास के साथी हैं। और ये आप देख रहे हो कि आपके साथ ये बहुत अच्छी बात बताई कि आपके साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा। आप ईमानदारी देखिए कि पहले रामपुर को बिजली मिलती थी या मिलती थी, जब बिजली मंत्री थे उपाध्याय जी, तब उनके जिले को मिलती थी या कोई और बिजली मंत्री थे उनके जिले को मिलती थी, कहते थे वहाँ 5 घंटे बिजली है और बहेड़ी में 8 घंटे बिजली होती थी, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे, 12 घंटे, बताइए आज कितने घंटे बिजली है। आज लगता ही नहीं है बिजली जा रही है। उन्होंने ये तो नहीं कहा मुस्लिम माहौल का सवाल बहेड़ी, तुम्हें तो नहीं बता, तुम मुसलमान हो, तुम्हें वोट, तुम्हें बिजली नहीं देंगे, तुम्हें गल्ला नहीं देंगे, तुम्हें मकान नहीं देंगे। जब ये पार्टी तुम्हें मुसलमान मानकर तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रही है, जब ये पार्टी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं कर रही है, तो तुम अपने आप को मुसलमान बनकर क्यों अलग खड़े हो रहे हो। तो ये थी बरेली से हमारे संवाददाता फजलुर रहमान की रिपोर्ट। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टुडे जुनून। नमस्कार।